राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया कई दिनों से भाजपा के रडार पर हैं। 12 जिले की अंता विधानसभा से विधायक और खान मंत्री भाया पर अब स्टेट मिनरल फंड के गलत इस्तेमाल का और धांधली का आरोप लगा है। आए दिन भ्रष्टाचार के आरोपों से अपनी ही पार्टी के विधायक भरत सिंह के निशाने पर रहने वाले मंत्री भाया की घेराबंदी अब विपक्ष ने की है। स्टेट मिनरल फंड के दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा ने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने उन पर सिलसिलेवार आरोप जड़े हैं। विधायक मदन दिलावर ने कहा है कि DMFT यानी जिला मिनरल फंड की राशि को जिले में ही खर्च किया जा सकता है। इसी राशि में से आधी राशि स्टेट मिनरल फंड में जमा होती है, जिसे विभिन्न मदों में खर्च किया जा सकता है, जिस पर पूरे राजस्थान का हक है। लेकिन खान मंत्री प्रमोद भाया ने स्टेट मिनरल फंड के 114 करोड़ रुपए 12 जिले की महज 2 ग्राम पंचायतों में खर्च करने की तैयारी कर ली है। यहाँ ये पैसा सड़कों के लिए स्वीकृत किया गया है। ये दोनों पंचायतें उनकी विधानसभा की हैं। अकेले अंता और 12 पंचायत में लगभग 100 करोड़ रुपए सड़कों पर लगाए जा रहे हैं, जबकि छबड़ा, छीपा, बड़ोद और किशनगंज सहित सभी इलाके की उपेक्षा की जा रही है। इसके साथ ही मदन दिलावर ने खान मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बताया कि DMFT फंड को खर्च करने के संदर्भ में केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत जिला कलेक्टर गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं और लोकल सांसद और विधायक उसके सदस्य, जिनकी मीटिंग के बाद ही इस फंड का उपयोग निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन खान मंत्री ने भ्रष्टाचार करते हुए मीटिंग भी कर ली और उसी 23 तारीख को 114 करोड़ रुपए के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी, जबकि एक दिन में ये संभव नहीं है। मीटिंग में झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र से सांसद दुष्यंत सिंह को भी नहीं बुलाया गया। ऐसे में बिना कमेटी की अप्रूवल के स्टेट मिनरल फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। मामले पर विधायक मदन दिलावर ने खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल से भी शिकायत की है, जिस पर शासन सचिव ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। वहीं 12 जिला कलेक्टर को दिलावर ने नियम संगत कार्य करने की हिदायत भी दी है। और अधिक खबरों के लिए बने रहें navbharattimes.com पर। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए, तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।